रोल समझते नहीं है। हाँ, वैसे वाकई लोग बड़े कंफ्यूज होते हैं। गवर्नर असल में ही इज द कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ द प्रोविंस, आईनी सरबरा है, और सदर का नुमाइंदा है, यानी वफाकी नुमाइंदा है सूबे में, और वफाक के हजार काम होते हैं। तो गवर्नर अपना रोल या तो महदूद रख सकता है, जितना वसी रखना चाहे रख सकता है। और दूसरी बात है, मैं पॉलिटिकल गवर्नर भी हूँ, पीपल पार्टी का गवर्नर हूँ, इसलिए मुझे सियासी भी एक किरदार अदा करना पड़ता है। और मैं गवर्नर हाउस को एक चीज और लोग समझते नहीं है कि जो बाहर से लोग आते हैं, कांग्रेसमैन आते हैं, अमेरिकन आते हैं, पिछले दिन सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हिलरी क्लिंटन आई थी, और कई लोग आते हैं, बहुत सर, यानी रोज तकरीबन आते हैं, और उनको आपको पाकिस्तान का मौकफ जो है बैनुल अक्वामी सियासी जमहूरियत के बारे में, जो पाकिस्तान के स्टैंड्स हैं, ये सब चीज़ें आपको उनको समझाना पड़ता है। लंबी यानी बातें होती हैं, अंग्रेजी अच्छी होनी चाहिए तो ये सब चीजें बड़ी जरूरी हैं। तो ये लोग असल में समझते नहीं, ये समझते हैं इतना खूबसूरत घर है तो ये गवर्नर जो है आगे हुटर पीछे टूटर, और बड़ा वो प्रोटोकॉल मिलता है तो बड़ा मजा आता है गवर्नर बन के। लेकिन मैं तो यहाँ रहता नहीं हूँ, मैं रहता हूँ अपने घर में हूँ, और मैं समझता हूँ ये मेरा एक रोल है, पोलिटिकल रोल भी है, और जहां तक पाकिस्तान के मफादात की बात है वो मेरा बड़ा जरूरी रोल है कि मैं पाकिस्तान को सही तरीके से प्रोजेक्ट करूँ। बिल्कुल। अच्छा, ये एक और इन्होंने बड़ी अच्छी चीज की कि जब गवर्नर बने आप, दैट वाज दो साल हो गए 2008, तो अनाउंस किया कि भाई यहाँ पे गवर्नर हाउस में हर महीने एक बेनजीर डे होगा और इट्स ओपन फॉर द जनरल पब्लिक। जिस तरह आपने कहा कि बड़े ऑफिशियल यहाँ पे इवेंट्स भी होते, उसी तरह पब्लिक के लिए भी, आई थिंक पब्लिक नाउ फील्स आफ्टर अ लॉन्ग टाइम द पब्लिक फील्स दैट द गवर्नर हाउस इज ओपन फॉर देम आल्सो। यहाँ तो मैंने किसी पर पाबंदी नहीं लगाता, लोग आते हैं, हर बंदा आता है, हम फंक्शंस मुख्तलिफ करते हैं, हर किस्म के यहाँ बहुत आते हैं, हम बहुत बच्चों को बुलाते हैं, स्पेशली अंडर प्रिविलेज स्कूल्स को, मुझे बहुत शौक है कि वो आके देखें, और वो इतने खुश होते हैं बच्चे, और वो गार्डन्स में फिरते हैं, दे गो ऑन द, यहाँ किश्ती है, बगी में फिरते हैं, एंड इतने खुश, और इतनी छोटी सी बात है कि उनको लगता है कि वो कोई पार्क में आए हुए, एंड इट्स द लीस्ट यू कैन डू। एक बड़ा फंक्शन हुआ था यहाँ जी, तो मुझे आके स्टाफ ने कहा कि वो लोग देखें, वो पीछे लेक है वो तो निकल के वहां भी सैर कर रहे हैं, तो मैंने कहा करने दो इसमें क्या है। फिर वो किश्ती में, कह जी वो किश्ती में बैठ के बोटिंग कर रहे हैं, तो मैंने कहा करने दो इसमें क्या है, ये तो कोई मेरी कोई जारावारी तो नहीं है यहाँ। तो मैंने शुरू में यही कहा, मैं कहा ये कोई नवाब का किला नहीं है, ये कुछ नहीं है, ये तो एक, मैं समझता हूँ ये बेनजीर भुट्टो शहीद की अलामत, ये क्या कहते हैं उनकी एक निशानी है कि मैं गवर्नर उनकी वजह से बना और उनकी कुर्बानियों की वजह से मनाऊं। तो ये तो कम से कम एक मिनिमम चीज है कि मैं उनको अपना ना समझूं लेकिन आवाम का समझूं। बिल्कुल बिल्कुल। वी विल हैव टू टेक अ ब्रेक हियर, आई एम सो सॉरी, आई विल जस्ट टेक दिस। हमारे साथ गवर्नर साहब और मिसेस गवर्नर मौजूद है, वी विल टेक अ ब्रेक एंड वी विल बी बैक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। चीज सुबह बखैर जिंदगी। गवर्नर साहब, गवर्नर पंजाब सलमान तासीर साहब एंड मिसेस आमना सलमान तासीर हमारे साथ हैं, और हमारे पीटीवी के मीना बाजार के व्यूअर्स पहली बार उनको देख रहे हैं। गवर्नर साहब, आपकी कुछ शख्सियत ही ऐसी कि खांसी जरा मेरी कुछ ज़्यादा बढ़ गई। कई लोग आपको समझते हैं ना बड़े रोबदार, बड़ी रोबदार आपकी शख्सियत है, डरते भी हैं लोग आपसे। अच्छा, मुझे बड़ी खुशी हुई है सुनकर। बट आई हैव हर्ड दैट योर सेंस ऑफ ह्यूमर is amazing. हम लोग भी जो देखते रहते हैं उसमें आपकी wit जो है वो बहुत बहुत नुमाया है। लेकिन मेरी जो कजिन है जरीन खालिद, आप लोगों की भी बड़ी करीबी हैं, वो कहती हैं कि भाई ऐसा सेंस ऑफ ह्यूमर तो है ही नहीं दुनिया में किसी का। यकीनन सही होगा। What do you think? Yes. बहुत अच्छा, बहुत हंसाते हैं सबको और हाजिर जवाब बहुत हैं। हाँ, ये कैसे? ये फितरती बात है। वैसे वाकई आई थिंक इट्स यू कैन नेवर, या तो मैं कहूं कि ये नहीं है। हाँ। लेकिन उसका भी कहने का फायदा नहीं है, क्योंकि मतलब
कभी पॉलिटिक्स में थोड़े से लाइट हार्टेड भी होना चाहिए. हर एक बंदे को अपने आप को ज्यादा सीरियसली तो नहीं लेना चाहिए. बिल्कुल. तो जब ये वैलेंटाइंस डे पे ये मियां नवाज शरीफ मेरे खिलाफ बयान दे रहे थे जब तक ये गवर्नर नहीं जाएगा तो यहाँ फामो तफीम नहीं होगी, तो फिर मैंने उनको 12 गुलाब के फूल भेजे वैलेंटाइंस डे पे. ओह माय गॉड. अच्छा अच्छा अच्छा. यू रियली बिलीव इन वैलेंटाइन? यू नो बिकॉज़ मुझे तो नहीं भेजे. मैं वही पूछने लगी नहीं भेजे. मैंने कहा मियां साहब को अगर 12 भेजे हैं तो फिर आमना को तो पता नहीं कोई 12,000 1200 भेजे होंगे. वैसे आप लोग डू यू सेलिब्रेट दीज यू नो बर्थडेज एंड एनिवर्सरीज एंड ऑल दीज डेज एंड बर्थडेज एनिवर्सरीज तो करते हैं. अच्छा. कभी करते हैं कभी नहीं करते हैं, लेकिन तकरीबन करते ही हैं. अच्छा, बर्थडेज खास तौर पे. मुझे पता है कि भाई ये तो आपको बहुत तोहफे देती हैं, क्योंकि तकरीबन 10 साल पहले दुबई में ये आपके लिए कुछ कार्गो करा रही थी. वो पहला और आखिरी तोहफा था. अच्छा, इन्होंने आपको क्या क्या तोहफे दिए हैं जरा ये बताए. कोई बड़े कोई स्पेशल तोहफे जो बड़े याद हो? अभी बेटे की शादी पे कोई खास तोहफा मिला आपको? मैंने खुद ही जाके ले लिया. मैंने वेट ही नहीं किया, खुद ही जाके ले लिया और मैंने बिल दे दिया उनको. मैंने कहा मैं, क्योंकि बेटी की शादी पे नहीं दिया ना, तो मैंने कहा मैं वेट करूंगी तो कुछ नहीं मिलना. अच्छा, अगर मैं ये पूछूं कि भाई बच्चों में से कौन फेवरेट है, बड़ा मुश्किल. ये ना पूछे, आप हमारे घर में जंग फसाद डालेंगे. अभी अभी मैंने कहा मैं बच्चों के आने से पहले ये सवाल पूछ लूं. बच्चों के माशाल्लाह बच्चे बहुत हैं हमारे घर में एंड आई थिंक सब बहुत प्यारे हैं. देखो 6 बच्चे. हाँ माशाल्लाह. और लोग 3 boys and 3 girls. लोग मुझे कहते हैं कि हमारा एक ही बच्चा है इसलिए हमें उससे इतना प्यार है. अच्छा. तो मैं हमेशा कहता हूँ कि ये कोई एक सर्कल नहीं है जिसको 6 हिस्से में तकसीम करें या 1 हिस्से में. ये तो हर एक बच्चे से उतना ही प्यार होता है. और अगर 10 बच्चे हों उतना ही प्यार हर एक बच्चे से होता है. हाँ. तो प्यार कोई महदूद चीज़ नहीं है. हाँ. जिसको लेकर तकसीम करो कि भाई. हाँ. क्योंकि 6 बच्चे हैं तो 1/6 प्यार है. हाँ. और 2 है तो सारे स्पेशल. लेकिन एक होता है ना किसी के साथ, आई थिंक बेटियों के साथ डिमॉन्स्ट्रेटिव इंसान ज्यादा होता है, वो प्यार ज्यादा दिखा सकते हैं. मतलब आई कैन किस माय डॉटर्स बट आई कांट किस माय सन्स. एंड नाउ माशाल्लाह बहू भी है घर में. बिल्कुल. एंड ग्रैंडचिल्ड्रन आल्सो. माशाल्लाह यू हैव 4 ग्रैंडचिल्ड्रन एंड 2 सन इन लॉज. या अच्छा अच्छा अच्छा. ये तो दामादों को बिठा के पूछना चाहिए कि कौन सा दामाद ज्यादा फेवरेट है. बहू तो अभी एक ही आपके. अच्छा, आपको क्या अच्छा लगा था सलमान साहब में? आई थिंक सेंस ऑफ ह्यूमर. अच्छा. आपको आमना में क्या अच्छा लगा था? बिकॉज मैं तो इनको जब से देख रही हूँ, जब से जानती हूँ, मुझे मेरे माइंड में हमेशा एक वर्ड आता है, एंजल. That's very sweet. Seriously, I mean, I'm not just saying it like that. And even when I was मेरे बारे में क्या आता है? नहीं, देखे आज हम बुरा ना मानिएगा आप लोग, लेकिन आज हम चाह रहे हैं